ये देखिए ये सीलिंग फैन है। क्या होता है इसमें जब चालू करते हैं तो आवाज आने लगता है, अजीब अजीब सा आवाज आने लगता है, बहुत ही डिस्टर्ब होता है। तो इस पंखा को अभी हम आपको सामने आवाज चेक कराते हैं किस तरह का आवाज आ रहा है। तो आप इस वीडियो में बने रहे और वीडियो को लास्ट तक देखें। और ये देखिए मैं आपके सामने पंखा चालू करने वाला हूँ, तो आप ये देखिए किस तरह का आवाज आता है। ये देखें आवाज किस तरह आ रहा है। देखें वो जोर जोर से आवाज आता है तो बहुत ही डिस्टर्ब होता है। तो इस तरह आप घर बैठे भी ठीक कर सकते हैं ये प्रॉब्लम को। ये देखिए आवाज़ कितना अजीब अजीब सा आ रहा है। ये देखिए आवाज़ किस तरह आने लगा, कितना जोर जोर से आवाज़ करता है। ये देखें इस तरह जो बहुत ही प्रॉब्लम होता है। तो ये प्रॉब्लम को अभी हम आपके सामने सॉल्व करेंगे। किस तरह आया है, तो ये प्रॉब्लम को हम दूर करने वाले हैं। ये देखिए अब पंखा मैं खोल रहा हूँ, खोलने के बाद इसका जो है पूरा पैनल खोलेंगे, उसके बाद देखते हैं कि क्या क्या प्रॉब्लम है। ये देखें मैं इसका ये सारा बॉडी खोलने के बाद देखते हैं इसके अंदर क्या प्रॉब्लम है। ये देखें तो ये देखें इसका वायरिंग जो है वायरिंग में ही ये देखे ग्रीसिंग वगैरह सूख गया, सारे जाम है, इस कारण आवाज़ आ रहा है। ये देखो सही से ये नहीं आ रहा है। तो ग्रीसिंग कर देता हूँ। ये देखे मैंने अच्छी तरह से ग्रीसिंग कर दिया हूँ। ये देखो कंप्लीट हो गया है। अब मैं इसका भी खोल के इसके वायरिंग को भी देख लेते हैं। इसका पैनल खोल रहे हैं, पैनल इसका खोलने के बाद देखेंगे। अब ये पैनल खोलने वाले हैं। तो इसका हम खोल के देख लेते हैं। ये पैनल मैं खोल रहा हूँ। ये देखो कट कट गया ये इसका भी। देखिए ये देखिए क्या हालत है इसका भी। ये देखिए पूरा घिस गया, इसके कारण आवाज़ कर रहा था। इसका भी देख ही लेते हैं। ये देखो क्या हालत इसका हो चुका है। देखो वायरिंग का क्या हालत है, इसलिए आवाज़ आ रहा था। तो इसका भी अभी ग्रीसिंग करके देख लेते हैं वायरिंग वगैरह ठीक है क्या है। तो देखिए पूरा ये सूखा पड़ गया, इस वजह से जाम हो गया था, ये घूम भी नहीं रहा। इसको ग्रीसिंग करने के बाद इसको पूरा फ्री करेंगे, उसके बाद इसका सीटिंग करेंगे। देखो घूम भी नहीं रहा। पूरा वायरिंग जाम हो जाता है तो इस वजह से नहीं हो पाएगा इसका क्या कहते हैं ग्रीस से। तो इसमें क्या कर रहे हैं थीनर या पेट्रोल से पहले इसको साफ़ कर दें पूरी अच्छी तरह से। ये जब घूमने लगेगा
फ्री हो जाएगा ये, तो समझ लीजिए आप इसमें ग्रीसिंग कर सकते हैं। देखा अभी भी मेरा सही है, इसलिए मैं पूरा इसको वॉश नहीं किया हूँ। तो पेट्रोल से भी कर सकते हैं साफ़, या थिनर है तो थिनर से साफ़ कर सकते हैं। इसको अच्छी तरह से इसको पूरा साफ़ कर दें उसमें, उसके बाद ये देखिए ग्रीसिंग, पूरा इसमें ग्रीसिंग कर सकते हैं आप। अगर जिसका अगर पूरा वायरिंग पूरा सूखा हुआ है, जाम हो गया है, तो उसमें पहले आप ये देखें इस तरह ग्रीसिंग आप कंप्लीट कर सकते हैं। ये ग्रीसिंग मैंने कर दिया इसका भी, और ये नीचे वाला पैनल है इसका भी मैंने अच्छी तरह से कर दिया हूँ, ये ऊपर वाला है। तो अब दोनों का मैंने ग्रीसिंग कंप्लीट है, तो अब इसको हम बॉडी को फिर लगाने वाले हैं। इसको पैक करके फिर आपको हम चेक कराते हैं ये प्रॉब्लम सॉल्व हो गया है या नहीं हुआ, ये प्रॉब्लम दूर हुआ है या नहीं हुआ, तो मैं इस प्रॉब्लम को दिखाते हैं आपको। अब ये मैं इसका नट लगाने वाला हूँ, तो सारा कंप्लीट हो गया है। बाकी अब इसको चेक करते हैं क्या ये प्रॉब्लम ठीक हो गया या नहीं हुआ, जो आवाज़ आ रहा था आवाज़ बंद हो गया या नहीं हुआ है। ये देखिए मैंने इसका बॉडी कंप्लीट कर दिया हूँ, अब ये तार मैं लगाने वाला हूँ इसका, अभी हम टेस्ट करा देते हैं इसमें। तो ये देखें, ये देखें, ये देखें, आवाज़ बिल्कुल ही बंद हो गया है, अब उसमें साउंड आना बंद हो गया है। ये देखें पहले आवाज़ जो आ रहा था खर 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 सर, इस तरह का आवाज़ बंद हो गया। ये देखें पहले अजीब सा आवाज़ आ रहा था, वो आवाज़ बंद हो गया। ये देखें आवाज़ बिल्कुल ही नहीं आ रहा अब, पहले तो आवाज़ काफ़ी आ रहा था, अब आवाज़ बिल्कुल ही नहीं आ रहा इसमें। ये देखें तो ये कंप्लीट हो गया आपका ये पंखा। तो इस तरह आप भी घर बैठे कर सकते हैं। ये देखें ये कंप्लीट हो गया। बस वीडियो में बस इतना ही।